मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू आमी कृषि तड़का। मेरा नाम है अमृता। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू की पूरी। तो आलू की पूरी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और अगर आपको मेरी डिश पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशन मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आलू की पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 150 ग्राम गेहूं का आटा, 3 बड़े चम्मच सूजी, अजवाइन आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, जीरा पाउडर 1/4 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/4 चम्मच, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 उबले हुए आलू, धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, नमक स्वादानुसार और तेल लगेगा हमें फ्राई करने के लिए। मैंने यहाँ पे आटा गूंदने के लिए एक बर्तन ले लिया है। इसमें डालेंगे गेहूं का आटा, सूजी, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, धनिया पत्ती। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आलू को इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे क्योंकि हमें पूरी बनानी है। आप आलू को अच्छी तरह से मैश करके भी डाल सकते हैं लेकिन ग्रेट करने से आसानी होगी मिक्स करने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और 2 चम्मच के करीब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल डालने से पूरी खस्ता होती है। मिला लेंगे अच्छे से सभी चीज़ों को। देखिए मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आटा गूंद लेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं लगता है आटा गूंदने के लिए क्योंकि इसमें ऑलरेडी आलू है। ध्यान रहे इसमें ज़्यादा नरम आटा नहीं गूंदना है हमें, आटा थोड़ा सा सख्त होना चाहिए पूरी के लिए। इसीलिए पानी को जो है ध्यान से डालें थोड़ा थोड़ा करके। देखिए यहाँ पर मैंने आटे को अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब थोड़ा सा तेल डालेंगे और उसे गूंद लेंगे एक बार और। अब हम 20 मिनट तक आटे को ढक के छोड़ देंगे। 20 मिनट हो गए हैं। अब हम आटे को जो है एक और बार मसल लेंगे। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है और जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है हम कुछ पूरी बेल लेंगे। अब हम इसकी नींबू के साइज़ के जितनी लोई बनाएंगे। तो मैंने अब यहाँ पे सारे आटे की लोई बना ली है और एक लोई लेके थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे इसके ऊपर और फिर बेलेंगे। तो आपको जितनी साइज़ की पूरी चाहिए उतनी साइज़ की आप लोई बना सकते हो और पूरी को बेल के इस तरह से यहाँ पे रख देंगे। तो इसी तरह से कुछ पूरी हम बेल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से कुछ पूरी बेल ली है और यहाँ पे हमारा तेल गर्म हुआ है कि नहीं चेक करते हैं। तो थोड़ा सा आटा डालेंगे इसमें और ये ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब देखिए ऊपर आ गया, इसका मतलब तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसे निकाल लेंगे। अब हम पूरी को फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे मीडियम से लेके हाई तक फ्लेम रखा है, मीडियम से लेके हाई के बीच में, और दबाते हुए थोड़ा हल्के हाथों से दबाते हुए पूरी को हम फ्राई करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से फूल रही है पूरी पूरी। अब टर्न करेंगे इसे, देखिए दबाते हुए आपको इसे फ्राई करना है। अब हम इसे पेपर टॉवल पे निकाल देंगे ताकि इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए। इसी तरह से हम बाकी की सभी पूरी को फ्राई कर लेंगे दबाते हुए। ध्यान रहे पूरी को मीडियम या हाई फ्लेम पे ही तले, लो फ्लेम पे ना तले, और दबाते हुए इस तरह से पूरी को फ्राई कर दीजिए। पूरी बहुत ही बढ़िया तरीके से फूलती है इससे।
तो यहाँ पे देखिए जितनी पूरी मैंने बेल के रखी थी उतनी फ्राई कर ली है, तो अब इसे हम सर्व कर लेंगे। आप इसे कोई भी सब्जी के साथ खा सकते हो, ग्रेवी वाली या सूखी, या आप इसे बिना सब्जी के भी खा सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका। या अगर आप ट्रैवलिंग में जा रहे हो तो आप इसे पैक करके लेके जा सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आप भी मेरी सिंपल सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपको मेरी डिश पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी खाओ, स्वस्थ रहो।